चुनावी पारा चरम पर है। इस बीच अंबाला छावनी विधानसभा में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। इस दौरान दुकान दुकान जाकर धर्मेंद्र प्रधान ने अनिल विज के लिए जनता से वोट की अपील की है। अंबाला छावनी आने पर विज ने धर्मेंद्र प्रधान का पुष्प कुछ देकर स्वागत किया है। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी और विज की दोस्ती की चर्चा की। कहा, 6 बार विधायक होने के बावजूद विज जनता के बीच जाकर नम्रता से वोट की अपील कर रखे गए। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। धर्मेंद्र प्रधान ने दावा करते हुए कहा, इस बार भी हरियाणा में बहुमत से अधिक सीट लेकर बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते कहा, आज उनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया। उनका नेता विदेशों में जाकर भारत का दुष्प्रचार करता है, तो दूसरी तरफ वो लोग अपनी ही पार्टी की दलित नेता को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस दौरान विज के मुख्यमंत्री वाली दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा, अनिल विज बहुत बड़े नेता थे। आदरणीय अनिल विज जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनको कई सालों से उनकी राजनीति के बारे में सुनते आता था और उनकी जन नेतृत्व के बारे में कई किस्से कहानी हमारे कान पे आते थे। वो कैसे लोगों को मिलते हैं, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं। जब मैं हरियाणा के चुनाव के काम पे लगा हूँ, मैं इस जिले की प्रवास में आज था, मैंने वीर साहब जी को फोन किया कि वीर साहब जी मैं मिलना चाहता हूँ। बोले, मैं तो हूँ मैदान में, मैं हूँ रास्ते में, मैं घूम रहा हूँ, मिलना है तो रास्ते पे आ जाओ। मैं उनको आज मिलने के लिए आया था। मैं कुछ समय मैंने बहुत सच में प्रभावित हूँ वीर साहब की जो संपर्क यहाँ की मतदाताओं के साथ, यहाँ के नागरिकों के साथ है। किसी भी आयु वर्ग का हो, युवा हो, महिला हो, गरीब तबके के लोग हो, कामकाजी लोग हो या समाज के बड़े लोग हो, सभी के साथ आदरणीय वीर साहब की एक जीवंत संपर्क है। यही प्रमाणित करती है भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ हरियाणा में फिर तीसरी बार सेवा की अवसर देगा प्रदेश की जनता। और वीर साहब हमारे एक आइकॉन है प्रजातंत्र में। प्रत्यक्ष लोगों के पास जाके उनको मैंने देखा, वीर साहब कह रहे थे कि भाई ख्याल रखना, बड़ा विनम्रता के साथ लोगों को आशीर्वाद लेना। वीर साहब 6 बार चुन चुके हैं, उसके बाद भी प्रत्यक्ष चुनाव के दिनों में लोगों के पास जाके आशीर्वाद लेना, यही हमारी देश की प्रजातंत्र की विजय है। एक प्रजातंत्र की पुजारी के नाते वीर साहब ने जो काम किया है, जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय काम है।